हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 9 बजे से स्टार्ट। और आज मेरे को काम मिला है किचन की पुथाई करने का। तो मिट्टी भिगो रखी है और यहाँ से गोबर ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि गोबर और मिट्टी का वो लेप सा बनता है, फिर उसे दीवारों पर पोथा जाता है, उसको पुथाई बोलते हैं। तो चलो पहले गोबर ले लेती हूँ यहाँ से। हमारी गायें रहती हैं, इन्होंने गोबर किया भी होगा कि नहीं। थोड़ा सा कर रखा है इधर को और इसने नहीं कर रखा। तो गोबर कहाँ से लाऊँ अब मैं? गोबर नहीं है, थोड़ा सा ये इतने से क्या होगा यार, थोड़ा सा और चाहिए था पर है ही नहीं। तो चलो थोड़ी देर में देखते हैं। ले आई हूँ मैं गोबर, जो कि मेरे को थोड़ा सा मिला, ये रखा हुआ है। पर इतने से लगभग लगभग हो ही जाएगा। देखना अभी कितनी वो हो रखी है, ब्लैक ब्लैक हो रखी है, पूरी काली हो रखी है। तो अभी चमकाऊंगी इनको। और देखो पूरा किचन, और दादी ने सुबह ही पूरा किचन खाली कर दिया था, सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ बाहर डाल दी थी। पूरा किचन दादी ने खाली कर दिया था सुबह, बोला कि तू पुथाई कर लेना, मैं किचन खाली कर देती हूँ। लकड़ियाँ भी यहाँ बाहर में रखी हुई है और ये मिट्टी भिगो रखी है। देखो इसमें मिट्टी है, जो कि मिट्टी भिगो रखी है पुथाई के लिए। तो चलो अभी मैं पहले पुथाई स्टार्ट करती हूँ, फिर पहले झाड़ू मारती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? किचन की पुथाई, लेकिन अभी सूखा नहीं है, पूरा हो चुकी है इसकी पुथाई चारों तरफ से, हो गया है एकदम चकाचक। और मैंने फर्श भी क्लीन कर लिया है, वो लगाया मैंने पाइप लगाया और पूरा फर्श धो लिया है। अभी भी देखो गीला गीला हो रखा है, पूरा स्लिप वगैरह सब धो के चकाचक कर दी है। और अब है खाना बनाने की ड्यूटी। और नहा भी गई मैं इतने से नीचे, क्योंकि बाल तो कल धोने हैं ना, कल फास्ट है तो कल धोऊंगी। फिर मैं कपड़े भी गंदे हो गए थे और पूरा सन गई थी मैं उसमें, तो मैंने कहा नहा लेती हूँ, फटाफट से नहा लिया मैंने। तो अब थोड़ा सा किचन सूखता है, जब तक तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और खाना आज गैस में ही बनेगा, क्योंकि किचन सूखा नहीं है ना, तो ऐसे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, गैस में ही बना लेती हूँ आज। तो चलो इसको देखो, ये 24 घंटे सोया ही रहता है, पता नहीं क्या है इसका। उठ रहा है, 24 घंटे सोया ही रहता है ये। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा मैंने दाल रख दी है चूल्हे पे,
गैस पे दाल चढ़ा दी है और अभी चावल वावल धो रही हूँ, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? हो गया है शाम के 6:30 और देखो कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि अभी तक झमाझम बारिश हो रही थी और अभी मौसम बिल्कुल अंधेरा हो गया है क्योंकि चारों तरफ कोहरा लग चुका है और फिर से बारिश वाला मौसम बन गया है। और मैं तो जैसे उठने वाली थी तो बाहर देखा बारिश, मैं फिर से सो गई फिर अभी उठी, अभी मैंने चाय वाय पी और अब सब्जी वब्जी काट लेती हूँ। तो वहाँ से देखो उधर से कोहरा आ रहा है, पूरा कोहरा कोहरा आ रहा है अभी, तो पूरा कोहरा लगेगा। वो देखो जंगलों से भी कोहरा कोहरा लग रहा है पूरा, तो पूरा मौसम ऐसे ही हो रखा है। तो अभी करते हैं हम, मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करा है, मैंने क्लिप बनाई है खाना बनाने तक की, उसके बाद की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है, तो सोचा मैंने कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलो अभी सब्जी वब्जी काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और मौसम तो इतना भयंकर हो गया ना कि पूछो मत, अभी भयंकर वाली बारिश आती है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम हो रहा है 9:30 और मेरा कल का ब्लॉग रह गया था एंड करने के लिए, तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।